हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैंने आपने पिछले वीडियो में एनल सेक्स के बारे में आप लोगों को बोले थे कि पीछे से अपने पेनिस को एंट्री करने को बोला जाता है एनल सेक्स। तो आज हम लोग एनल सेक्स के बारे में और भी जानकार उपलब्ध करेंगे कि एनल सेक्स को विजाइना सेक्स की तरह कैसे इंजॉय किया जाता है। कई लोग गुद्दा मैथुन का भी इंजॉय लेते हैं, कुछ लोग इनको गंदा मानते हैं और कुछ लोगों को इनको शर्म आती है। गुद्दा मैथुन को प्रायः वर्जित भी माना जाता है। अब सवाल ये उठता है कि इसमें अच्छा क्या लगता है, तो चलिए आइए आज हम लोग इसी के बारे में जानते हैं। गुद्दा को सहलाया जाना भी अच्छा लगता है और उन पे उंगली प्रवेश करना भी अच्छा लगता है। अगर सेक्स के दौरान आप अपने पार्टनर का गुद्दा में उंगली डालते हैं तो उससे पहले उंगली पे थूक या लुब्रिकेंट लगा के उसको गीला करिए। जब आप पहली बार छूते हैं तो गुर्दा द्वार सिकुड़ता बंद हो जाते हैं। इसे मांसपेशी की त्वरित रिएक्शन कहते हैं। उस देर तक आप उंगली लगा के रखिए, फिर उसके बाद आगे बढ़िए। सेक्स करते समय अपने साथी का गुर्दा को सहलाएं। गुदा में ऐसे कोई चीज जैसे कि उंगली, लिंक या वाइब्रेटर चीज डालिए। गुदा को आप जीभ से महसूस करें, इसे कभी कभी रिमिंग बोलते हैं। अंडकोश और गुदा के बीच के स्थान को दबाएं। गुदा जननांग के पास होती है जहाँ पे कहीं तंत्रिकाओं की शिराएं होती हैं और आपको चरम आनंदित महसूस होने में संकुचित होने लगती है, इसीलिए गुदा मैथुन अच्छा लगता है। तो दोस्तों, मेरा ये टिप्स अपना के आप अपने सेक्स लाइफ को और भी बेहतरीन करिए। तो मेरा ये वीडियो आज आप लोगों को कैसा लगा, प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।